माध्यम से यदि कोई कर्मी मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आग्रह करता हूँ उज्ज्वला कलंक शौचालय के साथ, मैं आग्रह करता हूँ हम लोग निश्चिंत होकर के जाए। आगे में होगा सर, भाई जी कोई भी अभिभावक गेट के सामने खड़े न रहे। हेलो हेलो नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय गांधी स्टेडियम में हूं और आज यहां शिक्षक बहाली को लेकर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है सरकार की ओर से। जो शिक्षक की बहाली हुई थी बीपीएससी के माध्यम से, उन तमाम सफल अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बेगूसराय जिला प्रशासन की ओर से बहुत ही दुरुस्त व्यवस्था की गई है। देखिए, हज़ारों की संख्या में जो शिक्षक हैं अपनी नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार कर रहे हैं। लोग काफ़ी अनुशासित तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं और काफ़ी बाहर भी भीड़ है और धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ेगी। 3 बजे से नियुक्ति पत्र दिया जाना है। जिला प्रशासन ने अपनी ओर से काफ़ी चौकस व्यवस्था की है और हम इन लोगों से बात करते हैं, कहाँ से आए हैं और क्या, कहाँ से आए हैं मैडम? हम बेगूसराय से आए हैं। बेगूसराय से आज बहुत खुशी हो रही है, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। हम तो पहले से भी टीचर हैं, लेकिन बीपीएससी एग्जाम का एक अलग था हौसला। जो नियोजित शिक्षक थे, हाँ शिक्षक है, पहले मैं 6 to 8 में थी, अभी 9-10 के लिए सिलेक्ट हो गई। पता नहीं चल रहा है कहाँ अभी बहाली होगी, कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा। कहाँ से आए हैं? मुकामा से है, पटना डिस्ट्रिक्ट से। नहीं, हम गया से हैं, बेगूसराय जिला मिला था। बहुत लंबा समय हुआ है सर, नियुक्ति पत्र का इंतजार है। अब बिल्कुल इंतजार है, इतना लंबा इंतजार किए हैं 3 साल से, तो आज वो इंतजार पूरा हो रहा है। क्या नाम है? ज्योति सिन्हा। चलिए, आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? सर, मैं मंसूरचक से आई हूँ। मंसूरचक? जी। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? पटना से। बहुत दिनों से इंतजार था शिक्षक बनना है। जी सर, पहले से भी मैं थी नियोजन। आप पहले से थी नियोजन में? अच्छा जी सर। आप सर यहाँ नियोजन वाले बहुत हैं क्या? नहीं सर, मेरा पहली बार हुई है। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा। शिक्षक आप बन जाएंगे, आज नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा सरकार की ओर से। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। क्या नाम हुआ? रितिका रॉय। कहाँ से आई? रहने वाले तुम पटना के हैं, लेकिन बरौनी से आए हैं। अभी मेरी शादी बरौनी हो गई है, तुम बरौनी से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम भगवानपुर ब्लॉक से आए। हाँ, बेगूसराय जिला से हम शिक्षक हैं जी। अच्छा, अब ये नया अनुभव कैसा लग रहा है जो अभी बीपीएससी की ओर से आया? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बाहर के लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी सर, अयोध्या यूपी से। यूपी से, क्या नाम हुआ? कोमल। कोमल, बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। बिहार में आप नौकरी करेंगी, शिक्षिका बनेंगी, ये अनुभव तो नया होगा? यस सर, नया, फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग लिए हैं। अच्छा, हाँ सर। तो बेसब्री से इंतजार है नियुक्ति पत्र का? यस सर, मिल जाए बस। बताइए। मेरा नाम शिल्पी गुप्ता है, मैं यूपी से रायबरेली जिले से हूँ। रायबरेली जी। अच्छा, कैसा लग रहा है शिल्पी आपको? बहुत अच्छा लग रहा। ये तो पहला अनुभव आगा कहीं दूसरे स्टेट में जाके नौकरी करें। सबसे पहले तो बिहार सरकार का ही धन्यवाद करना चाहती हूँ, कम से हम लोग को मौका तो दिया इतनी दूर आने के लिए, इस योग्य समझा कि हम लोग अच्छे शिक्षक बन सके। और
कार्य भी करेंगे। यहाँ घुलना मिलना एक ये भी चुनौती होगी कि यहाँ के माहौल में घुलना मिलना है। चुके हैं हम लोग, बहुत घुल मिल चुके हैं, पहले से घुल मिल चुके हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जी हम बेगूसराय से, रामदेड़ी से। जी तो अभी इंतजार है बेसब्री से। जी सर, इंतजार है अभी। नीतिका कुमारी। सब शिक्षक इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें नियुक्ति पत्र मिले और जाके वो ज्वाइन करें। बहुत कड़ी मेहनत से इन लोगों ने बीपीएससी की परीक्षा पास की है और आज उसी का नतीजा है कि अब उन्हें नियुक्ति पत्र मिलना है और इसके बाद ये लोग संवैधानिक तौर पर शिक्षक हो जाएंगे, सरकार के शिक्षक होंगे। और ये अलग अलग प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, इसमें से बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान जैसे प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में टीचर बहाल हुए हैं। ये अच्छी बात है कि बिहार सरकार ने एक प्रयोग किया जिसमें डाइवर्सिटी के तहत अलग अलग प्रदेशों के शिक्षक अपने अनुभवों के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, नया माहौल बनेगा। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।